Dario, जितने रिस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे बैठे हैं, एल्डर्स बैठे हैं, मशरान बैठे हैं, एक तो इस चीज़ के लिए कि आप लोग हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट किए आप लोग। ये जो डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल जो है, जो ये सिस्टम बना है, सिर्फ और सिर्फ जर्गे की एक मॉडर्नाइज फॉर्म है जिसमें द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पीपल जो जहाँ के इलाके के जो लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, मशरान होते हैं, हम उनके यहाँ पे पैनल्स बनते हैं, वो वॉलंटियर बेसिस पे अपने आप अपनी सर्विसेज हम लोगों को वॉलंटियर करते हैं और फिर वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, डिसीजन सुनते हैं, लोगों को सुनते हैं, पार्टीज़ को सुनते हैं। फिर उसके बाद देखें, ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। अभी जिस तरह ये दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एक कासिम जान कंप्लेनेंट है, कौन और एक रिस्पॉन्डर थे जो फहीम रहमान ये वगैरह, ये दो पार्टीज के बीच में एक इशू था। और आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट किया, आप लोगों ने इनके डिस्पोजल पे, जो मेंबर्स थे इनके डिस्पोजल पे आप लोगों ने बात छोड़ी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस मसले को आप लोगों की बाहमी रजामंदी के साथ, जिस पे आप दोनों पार्टीज़ अभी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, उसके साथ इन्होंने उसका डिसीजन सुनाया और आप लोगों ने उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी की कि आपने उसको माना। तो इससे देखें, मैं अक्सर मेरे दफ्तर में ना बहुत सारी ज़मीनों के मसले आते हैं, यंग जवान पढ़े लिखे लोग, मतलब कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई सर्विसेज में होंगे, कोई असिस्टेंट, मतलब कि यहाँ पे लोकल लोग आते हैं। तो मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को आपके माँ बाप ने इसलिए तो जवान नहीं किया है कि आप लोगों ने लड़ना है, या आप लोग तो देखिए, आप लोगों का अगर एक बात है वो बाहमी रजामंदी के साथ, अगर हमारा ये ऑफिस यूज़ करते हुए, डीआरसी का ऑफिस यूज़ करते हुए, अगर वो मसला हल हो जाता है अफामो तफहीम के साथ, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की जान या माल को नुकसान पहुंचाए, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सत्ता जारी है। इससे बेस्ट अमल कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे जो मशरान बैठे हैं, मुफ्ती साहब, तारिक साहिबान होंगे, वो आप उनसे भी पूछ लेंगे ना कि इलाके में एक सुकून आ जाता है। तो ये भी बहुत, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, मैं आज इस वसाकत से मैं यहाँ पे डीआरसी में आया हूँ। अगर इस तरह के और भी इश्यूज हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चारसदा के अंदर है, आप सारे मशरान बैठे हैं, आप लोगों के नोटिस में है, और आप लोगों को ये लगता है कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल है कि हमारा ये फोरम यूज़ करते हुए हम उसको हल कर सकते हैं, आप मेरे पास लेके आए, मैं फोरम को रिक्वेस्ट करेंगे, इनको हम मार्क करेंगे, फिर उसके ऊपर ये पार्टीज यहाँ पे
बैठेंगी और यहाँ पे उस मसले को जो है उसको प्रॉपर हम हल निकालेंगे। आप सब लोगों की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा, जो जो लोग ये बात सुनेंगे और इसके ऊपर इंजीनियर तक एक बात पहुंचेगी, उनके पर भी ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे ऑफिसेज यूज करते हुए, ये जो हमारा DRC का ऑफिस है इसको यूज करते हुए आप लोगों का मसला हल होता है, तो मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जो इस उस केस को हम वहां से यहां पे ट्रांसफर करेंगे और इंशाल्लाह उसको बाहमी रजामंदी के साथ, देखिए इसमें प्रॉपर केस चलता है, इसमें दोनों पार्टियां अपना डिफेंड कर रही होती है, ये लोग मुकम्मल उनको आर्गूमेंट होने के बाद, सुनने के बाद ये लोग अपना डिसीजन देते हैं, तो उसमें किसी किस्म का भी कोई है जिसमें हमारी सर्विसेज इस्तेमाल हो सकती है, हम लोग हमेशा हाजिर हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके डिस्पोजल पे है, हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, पैनल को मार्क करेंगे, ये आपके डिस्पोजल पे है और इंशाल्लाह ये देखें ये बिल्कुल अमन का गहवारा बनाने, हम सबका यही एम यही मकसद होना चाहिए, मेरा भी यहाँ पे यही है चारसदा को बिल्कुल एक पीसफुल सिटी हम लोग, और इसमें सिर्फ पुलिस ने अकेले अपना किरदार अदा नहीं करना है, मतलब मैं अकेला कर भी नहीं सकता हूँ, जब तक आप लोग अवाम चारसदा के रिहायशी चारसदा के लोग मेरा साथ नहीं देंगे, जब तक आप लोग अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मोहल्ले की अपने बाजारों की आप लोग सुपरवीन नहीं करेंगे, जब तक आपको ये एहसास होगा कि जब यहाँ पे ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, जब तक हम लोग मिल बैठ के उस चीज़ को हल नहीं करेंगे ना, तो फोर्स तो देखिए आप लोगों के अंदर से बड़ी महदूद है, लेकिन जब आप लोग मेरे साथ हो जाते हैं फिर मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पुलिस डबल ट्रिपल हो जाती है जब अवाम का साथ पुलिस के साथ होता है, तो इंशाल्लाह ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम सब ने मैं पूरे अपने अहद के साथ अपने पूरा अपनी जितनी मेरे में पावर है जितनी मेरे में एनर्जी है अपनी सारी अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं, मेरा सिर्फ एक यही एम है यही मकसद है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट चारसदा है इसके अंदर हम जितना अमन जितना सुकून जितना इसको मंशियात से पाक, सूद से पाक, चोरी से पाक, गुंडागर्दी से पाक, ये जो भत्ताखोरी है उससे पाक, इस जो माशरे के नासूर हैं जितना हम इसको कर सकते हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारा साथ देना है, मैं आप लोगों के डिस्पोजल पे हूँ, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस पूरे टाइम एंड अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि ये पुलिस देखें आप लोगों की, आप लोगों ने इसको ऑन करना है, ये थाने आप लोगों के, हमारा जो DSP का दफ्तर है ये आप लोगों का, मेरा जो दफ्तर है ये आप लोगों का, SHO का दफ्तर ये आप लोगों का दफ्तर है, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, मेरी यहाँ पे किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, पुलिस की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हम दिन रात जो काम करती है हमारी मोबाइल जो काम करती है जिन हालात में काम करती है, मेरा कॉन्स्टेबल जिस हालात में काम करता है, मेरा SHO मेरा DSP हम सब लोग जिस हालात में भी काम करते हैं जिन हालात में भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ देखें यही हम लोगों को आपस में अपना फासला ख़त्म करना है, आप लोगों को ये यकीन करना है कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए है और ये पुलिस आप लोगों की पुलिस है, मेरा बस हम सब ने जो भी करना है इस डिस्ट्रिक्ट को सही करना है हम सब ने मिल के करना है, हम सब लोग आपस में एक होंगे इकट्ठे होंगे यूनिटी, और देखिए चारसदा के अंदर रिसेंट भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आई हैं बहुत सारी जिसमें अवाम ने भरपूर साथ दिया पुलिस का, जहाँ पे उन्होंने पुलिस को ओन किए, बहुत सारे क्राइसिस ऐसे भी जनरेट हुए जहाँ पे अवाम ने पुलिस का साथ देते हुए उन क्राइसिस को टाला है, तो यही ऑनरशिप मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, आप मुकम्मल ट्रस्ट रखें, अगर पुलिस से कोई शिकायत है मेरे पास आए, मैं अगर उसका ना हल निकालूँ मैं उसका ना डिस्पोजल करूँ तो मैं फिर कसूरवार हूँ, आप मेरे पास शिकायत अगर पुलिस से आप करें, और अगर आपको शिकायत नहीं है तो अपनी पुलिस को ओन करें उसका साथ बने उसको अकेला और तनहा मत छोड़ें, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा ये जो दोनों पार्टीज हैं इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा जो पैनल है इसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, इसने डिसीजन दिया और आप लोगों ने उस डिसीजन की रिस्पेक्ट की और आप लोगों ने उसको माना और आपस की जो आपका आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा था या वो थी वो आप लोगों ने उसको ख़त्म किया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया अदा सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस प्रेस कम्युनिटी एंड DRC मेंबर्स सर जमू ज्यादात वक्त ना सो हफ्तों ना गुजरे हफ्तों ना द मसाले जोड़ शो द कब्रिस्तान आगे सिलसिले के मुंग DRC का अप्रोच हो DRC विद इन वेरी शॉर्ट टाइम अभी देर मेहनत हो को और या पजे घर में के साजिश से खूस अभी मुंगा सर डेर मस्त डिमार्केशन हो
دے دوران کے کم زموں گا لگچو چاچے پمنگا باندھے انکروچمنٹ کرو اور زموں قبرستان تھا راگلو نو اگوی سدا سے پراپر دلائل پیش نہ کر خویا ہوم چلے نو اگوی چکم دلائل پیش کر نو دیور ناٹ آن سوم فورٹین خویا ہوم منگا تا چلے نو ڈی آر سی ویر نہ تو کو اگوی اس پر یہ خبر باندھے منگا ایک لکھو چہرہ دے خبر انجام بسی لیکن اب سلام دا پارا دے ادھر لگاتا مسئلے جوڑی سی اور چیزا خبر حقیقت تمو قتل نو مسئلہ دوم رنوا نو منگ چلے نو کشرانو خدا نہ من لا کشران پر خبر باندې اگری نو اگوی جب اگوی ریلکٹنٹلی اگری چی ار زمو دی دی سرا پر خبر باندې تصفیه وشی خو بیا منگ چلے نو ڈی آر سی چکما ڈیلیبریٹ کنسیڈریشن نو او اگوی خبر منگا اس دکڑے نو اگد باندې منگا کشران اگری کر او اگوی تمو چی ار دے با وائڈ رینج ریپرکشنز دی اور اس تو بعد ڈیر نقصانات وشی نو کشران تمو مسئلے نہ جوڑو اس ڈی آر سی نے منگ دا ایکسپیکٹ کو جی کہ ڈی آر سی جی منگا دا کم اسٹام سے منگا سر کئی لکڑی کئی چاہیے تو منگا تھا موسٹ پروٹیکشن ملو سی دین علاوہ اس تو بات کی ویسا مسئلہ جوڑنی سی اور نور خلق رہی سی رانی سی اور یا کہوں گا بال ٹیک ہونی تھی ارے سلسلہ کی وجہ خالد خان سے ڈیر مشکور ہی ابھی چلے اور ڈیر بہترین تجویز پیش کو ابھی وہ چلا کم ڈیمارکیشن تھا سوشی نو دارے پر فٹوارے کے رہی سی چکا چلے دا انکورٹمنٹ لائن چلے نو سبا بلڑو دیا سو وقت پس نہیں نو بیا فٹواری چلا نو دا وہ منگا پروٹیکشن رکھ گئی دا کشان ڈی آر سی نا منگا دا ایکسپیکٹ کو چھ ان شاء اللہ ابھی بہ نور ہم کوشش ہوگی چھ منگا تھا پر اسٹام کے پروٹیکشن ویل وہ ملو سی زمونگا یہ ہوتا سے مسئلہ ہوا ڈیر خطرناک خط ہوا ارفان اللہ سے تم دا مسئلہ تلے ہوا لاغی نباد دیا موسی وجہ سے رابطہ کا ولا لاغی نباد ڈی آر سی تا زمونگا فیصلہ را اللہ ڈی آر سی والا مجھ سے ڈیر شفقت ہوگا ڈیر محبت ہوگا زمون ذہنی نے کھولا اکڑا چیرا دے مسئلے حل دان رے جتا سو جھگڑا ہوگا اس طرح کشران جھگڑا ہوگی داغے مسئلے منگ تدبی پرا پر حل ہوگا اور اگر مسئلہ منگ حل شوا اور منگ پھر تزل دیر شکریہ ادا کرو وہ ڈی پی او سے ببل اور کپڑا ہوگا مگر مسئلہ حل کر لا منگ داغے شکریہ ادا کرو ڈیر بہت طریقے سے سخت قسم سے نقصانات بکیوں نے شو میجر صاحب ساجد خان بھی منہ سر لاڑا پر سخت گرمی کی حل تیر منہ سر ڈیرا اور خی طریقے سے اگر کرشن ہو کر اور منگ ددے پہ سلینا خمت میں